लिए तो पहले हम लोग मेंडलीय विकार को पढ़े थे, मटर के पौधे पर हुए प्रयोग के आधार पर कलर ब्लाइंडनेस और आपका हीमोफीलिया था जिसको वो पढ़े थे, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन है तो उसे पूछेंगे तो अगले क्लास में उसे क्लियर कर दिया जाएगा। अब चलते हैं डाउन सिंड्रोम की। डाउन सिंड्रोम में होता क्या है कि जैसे ही मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन के समय बिना वियोजित हुए 21वां जोड़ा का क्रोमोजोम अतिरिक्त चला जाता है बच्चे में। तो जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बात किया था कि क्रोमोजोम की संख्या 23 जोड़ा होती है, 23 जोड़ा, 23 जोड़ा में से तो एक जोड़ा हम लोग निकाल दिए एक्स एक्स फीमेल के लिए और एक्स वाई मेल के लिए। अब कितने बच गए भाई, तो 23 जोड़ा तो मेल में भी होगा, 23 जोड़ा फीमेल में भी होगा, लेकिन इसमें 22 जोड़ा जो ए सेक्सुअल क्रोमोजोम है, 22 जोड़ा ए सेक्सुअल क्रोमोजोम। अब सबका विकार है, लेकिन आप इंटरमीडिएट लेवल पर हैं या तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन का तो इतना ही तो काफी है। एसेक्सुअल क्रोमोजोम है अगर तो एक जोड़ा तो मैंने हटा दिया मेल से, एक जोड़ा फीमेल से, अब 22 जोड़ा बचा। अगर 22 जोड़े को डिनोट किया जाए, मान लेते हैं हम ये कि एक जोड़ा हो गया, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा, इसी तरह 21वां जोड़ा का जो क्रोमोजोम है बिना बी संयोजित हुए, बिना अलग हुए, दोनों चला गया, दोनों चला गया, तो मेल और फीमेल दोनों से जब बी संयोजित होकर एक एक क्रोमोजोम जाने चाहिए तो एक तरफ से दोनों चला गया, एक तरफ से एक आ गया, तो कितना हो जाएगा क्रोमोजोम आपका 46 के जगह पर एक क्रोमोजोम एक्स्ट्रा चला गया, कितना हो गया 47, लेकिन गया कौन सा 21वां जोड़ा का क्रोमोजोम। ठीक है, 21वां जोड़ा का क्रोमोजोम चला गया और हो गया 47। तो ऐसे स्थिति में बच्चा जो होता है अल्पविकसित होता है, हालांकि विकसित होगा पूरा, लैंगडॉन ने सबसे पहले इसे खोजा था, लेकिन बच्चे के जीभ पर दरार होगा, कद छोटा होगा, गर्दन मोटा होगा, हृदय रोग से, श्वसन रोग से जल्दी संक्रमित हो जाएगा और 16, 17 साल, 18 साल तक जाते जाते ऐसे बच्चे मर जाते हैं, नहीं जीते हैं। ऐसे बच्चे को मंगोलियन भी कहा जाता है, छोटे होते हैं। तो यह डाउन सिंड्रोम, हालांकि इसकी संभावना कब होगी, 40 वर्ष से अधिक उम्र की स्त्री अगर बच्चे पैदा करती है तो वैसे बच्चे में से 600 बच्चे में से एक बच्चे के होने की संभावना होती है। ठीक है, दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम स्त्रियों में होता है, ऐसा कब होता है कि जब निषेचन के समय, फर्टिलाइजेशन के समय 22 जोड़ा क्रोमोजोम ए सेक्सुअल क्रोमोजोम तो होंगे ही, अब एक जोड़ा जो बचता है जो मेल और फीमेल हो, लड़का होगा या लड़की होगा, इस बात का कंफर्मेशन करता है, वो है आपका सेक्सुअल क्रोमोजोम एक्स एक्स और एक्स वाई। अगर एक्स वाई होता तो लड़का होता, 22 जोड़ा तो जाएगा ही, तो ये एक जोड़ा एक्स एक्स जाने पर लड़की होगा, लेकिन होता क्या है कि फर्टिलाइजेशन के बाद एक एक्स पहुंचता है लेकिन एक एक्स पहुंचता ही नहीं, तो आपका 44 22 जोड़ा यानी कि 44 क्रोमोजोम हो गए, 44 क्रोमोजोम ऑलरेडी थे, हैं भी एसेक्सुअल क्रोमोजोम, अगर एक्स एक्स होता तो लड़की होती और 44 के साथ अगर एक्स वाई होता तो लड़का होता, लेकिन अब क्या हुआ 44 के साथ एक एक्स आया, एक एक्स आया ही नहीं, ना तो वाई आया ना तो एक्स आया, तो ऐसे स्थिति में ये लड़की हो गई, औरत हो गई, लेकिन बाँझ हो गई, ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती। इसकी संभावना 5000 में से एक स्त्री को होने की होती है, 5000 स्त्री में से एक स्त्री के होने की संभावना है। यह है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में फिर से ध्यान दे दें आप, 22 जोड़ा ए सेक्सुअल क्रोमोजोम ज्यो कहते हो जाएगा, एक जोड़ा डिपेंड करता था कि लड़का होगा कि लड़की, कौन सा जोड़ा एक्स वाई जाता तो लड़का होता, एक्स एक्स जाता लड़की होती, लेकिन एक एक्स आया ही नहीं, अब इसके पास तो वाई है नहीं,
तो औरत होगी, लेकिन औरत बाझ होगी, कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकती। कितना? 5000 में से एक स्त्री को इसकी होने की संभावना होती है। ठीक है, अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि 22 जोड़ा जो एसेक्सुअल क्रोमोजोम है, एसेक्सुअल क्रोमोजोम वो तो जाएंगे ही, अब XY होता तो मेल होता, अब 22 जोड़े के साथ XX होता तब तो फीमेल होता, लेकिन ऐसे स्थिति में क्या होता है कि 22 जोड़ा ये जाएगा लेकिन XXY जाएगा, एक एक्स एक्स्ट्रा चला गया। जैसे यहां से अगर मेल फीमेल की बात करें XY और XX, तो एक एक्स आता एक वाई आता तो लड़का होता, लेकिन एक एक्स अतिरिक्त आ गया, तो ऐसे स्थिति में क्रोमोजोम कितने हो गए? 22 जोड़ा का 44 और 3 47, एक क्रोमोजोम एक्स्ट्रा हो। अब इसमें देखिए, इधर से ध्यान दीजिए तो लड़का और इधर से ध्यान दीजिए तो लड़की, तो ये लड़का होगा, कुछ लक्षण स्त्रियों का भी होगा, ये भी 5 होगा, न्यूट्रल जेंडर कर सकते हैं इसको, और ये भी बच्चे पैदा नहीं करेंगे, लगभग 2000 में से एक में ऐसा होने की संभावना रहता है, 2000 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को, कुछ लक्षण स्त्रियों का होगा कुछ लक्षण, हाँ लेकिन मानसिक विकास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मानसिक विकास ज्यों कहते हैं होता है, मानसिक विकास अवरुद्ध नहीं होता, लेकिन लक्षणों की बात करें तो पुरुष जैसे दिखाई देंगे लेकिन कुछ लक्षण स्त्रियों के भी होंगे। ठीक है, आज इतना ही देख लेते हैं, फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं।